रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष जारी है। इस कड़ी में रूस ने यूक्रेन पर शनिवार को मिसाइलों और ड्रोनों की बौछार की। इससे पूरे यूक्रेन में ऊर्जा सेक्टर और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने का अनुमान जताया गया है। इस हमले में कम से कम 4 यूक्रेनी बुरी तरह घायल हो गए। इस दौरान लंबी दूरी की मिसाइलों का प्रयोग किया गया। नेशनल ग्रिड ऑपरेटर ने बताया कि मार्च के बाद से यूक्रेनी पावर सेक्टर पर 6ठे बड़े रूसी हवाई हमले में पूर्व, मध्य और पश्चिम में ऊर्जा सुविधाओं को नुकसान पहुंचाया है। वहीं यूक्रेन की वायुसेना ने दावा किया कि उसने रूसी हमलों के लिए इस्तेमाल की गई 53 रूसी मिसाइलों में से 35 और 47 हमलावर ड्रोनों में से 46 को मार गिराया है। इसके बाद फिर से यूक्रेनी राष्ट्रपति ने पश्चिमी देशों से एयर डिफेंस सिस्टम का पुराना राग लापा। जेलेंस्की ने कहा, रूस का मुख्य मकसद रूसी आतंक को बरकरार रखना है, यूक्रेन के एयर डिफेंस को तबाह करना है। यूक्रेन के पश्चिमी साझेदारों को मालूम है कि यूक्रेन के लिए क्या जरूरी है, अतिरिक्त पैट्रियट मिसाइल सिस्टम या फिर आज के दौर के बाकी एयर डिफेंस सिस्टम, या यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट्स की डिलीवरी में तेजी लाना हो, या हमारे सैनिकों को सभी जरूरी ताकत मुहैया कराना हो। मौजूदा साल अब तक यूक्रेन रूस के मुकाबले युद्ध को बैकफुट पर देख रहा है। इसमें सबसे अहम ये माना जा रहा है कि यूक्रेन को अमेरिका से सैन्य मदद में लगातार देरी का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन के बुनियादी ढांचों पर रूसी हमले तेज हुए हैं। रूस ने यूक्रेनी बॉर्डर्स पर अपनी सीमा का विस्तार किया है। यूक्रेन के एनर्जी मिनिस्ट्री ने कहा कि शनिवार को रूसी सेना ने पूर्वी दोनेत्स्क, दक्षिणी पूर्व ज़ापोरिजिया और निप्रापेट्रोव्स्क, मध्य किरोवोहर्द और पश्चिम में इवानो फ्रैंकविस्क में ऊर्जा सेक्टरों पर हमला किया। बताया गया कि पूरे इलाके में हवाई अलर्ट 3 घंटे से ज्यादा समय तक जारी रहा। कई लोग आधी रात में शेल्टर्स की ओर भागते भी दिखे। रीजनल गवर्नर ने बताया कि पोलैंड के साथ यूक्रेनी बॉर्डर पर 4 लोग घायल हो गए और 3 महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाएं प्रभावित हुई। यूक्रेन की सबसे बड़ी प्राइवेट एनर्जी बनाने वाली कंपनी डीटेक ने कहा कि उसने 2 थर्मल पावर प्लांट रूसी हमलों का शिकार हुए, साथ ही ऊर्जा उपकरण गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसकी मरम्मत में 18 महीने तक का समय लग सकता है। रूस की रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वह रूसी ऊर्जा सुविधाओं पर कीव के हमलों के जवाब में यूक्रेन के ऊर्जा सुविधाओं पर हमला कर रहा है। क्रेमलिन पर दबाव बनाने के लिए यूक्रेन ने इस साल रूसी तेल सुविधाओं पर ड्रोन हमले तेज किए। दरअसल रूसी सेनाओं ने पूर्वी डोनबास में बढ़त बनानी शुरू की है। पूर्वोत्तर में खारकीव में एक नया मोर्चा भी खोल दिया है। गौरतलब है कि सबसे पहले रूस ने युद्ध की पहली सर्दियों में यूक्रेन की एनर्जी सेक्टर पर हमला किया था और मार्च में ग्रिड पर अपने हमले को फिर से शुरू किया। यूक्रेनी अधिकारियों की माने तो पिछले 2 महीनों में रूसी बमबारी ने थर्मल प्लांट के बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचाया है, इससे ब्लैकआउट हुआ। इस बीच बताया जा रहा है कि फ्रांस अगले साल की शुरुआत तक सैन्य सहायता के नए पैकेज के हिस्से के रूप में यूक्रेन को सैकड़ों बख्तरबंद वाहन देगा।